एलियंस, जिसके बारे में सोचकर आपको साइंस फिक्शन मूवी की याद आती होगी, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सच में हमारी धरती पर कई बार एलियन देखे गए हैं। समय समय पर एलियंस क्यों हमारी धरती का चक्कर लगाने आते हैं? क्या भविष्य में वो हमें बर्बाद करने के लिए हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कब और किसने बनाई है? लेकिन पृथ्वी के जन्म से पहले ही इस ब्रह्मांड का जन्म हो चुका था। तो ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, कितना विशाल है ये ब्रह्मांड, आखिर क्या है इस ब्रह्मांड का रहस्य? ब्रह्मांड में मौजूद ये तारे, ये सूर्य, ग्रह, उपग्रह कहां से आए? धरती का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी बनने के बाद जीवन कैसे अस्तित्व में आया? चांद का जन्म कैसे हुआ? ये पूरा का पूरा खूबसूरत अंतरिक्ष आखिर किसने और क्यों बनाया? हम मानवों को किसने बनाया? आखिर क्या है ये जन्म और मृत्यु का रहस्य? ये जन्म मृत्यु का खेल कब तक चलता रहेगा? धरती के अलावा ये जीवन और कहां कहां हो सकता है? कौन है इस ब्रह्मांड के रहस्य के पीछे? क्या इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति है या वैज्ञानिक तथ्य? आज इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड का जन्म। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का जन्म आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। ये सारा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे कण से पैदा हुआ। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। इस धमाके के बाद उठा आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वो सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है बिग बैंग थ्योरी के रूप में। बिग बैंग थ्योरी इसलिए भी सही साबित होती है क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और ब्रह्मांड में फैली इतनी ज्यादा रेडियो तरंगों की मौजूदगी इस सिद्धांत को सच साबित करती है। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर फैलने लगे और तब सबसे पहले स्टार और प्लेनेट पैदा हुए। गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तार बने। ये इतने गर्म हो गए कि इनमें मौजूद परमाणु आपस में मिल गए। इन तारों में बहुत से मानवीय तत्व भी मौजूद थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि हम सब बहुत पहले मर चुके तारों से पैदा हुई चीजों से बने हैं। ये चीजें लगातार रिसाइकल होती रहती हैं और तारों के जीने मरने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तब इन तारों ने मिलकर एक छोटी आकाश गंगा बनाई। इन छोटी आकाश गंगाओं ने मिलकर एक बड़ी आकाश गंगा बनाई। इसमें से हमारी मिल्की वे भी एक है। बड़ी आकाश गंगा करीब 11 अरब साल पहले बनी। इसमें करीब अरबों खरबों सूर्य है। हमारा तो सूर्य भी तब पैदा ही नहीं हुआ था। जब कोई तारा मरते हुए चमकता है तो इस स्थिति को सुपरनोवा कहा जाता है। विस्फोट के बाद वापस इसकी धूल, एटॉमिक एनर्जी और राख से फिर किसी नए तारे का जन्म होता है। इस तरह सूर्य का भी जन्म हुआ था। धरती पर जीवन स्थिर नहीं है, ये किसी भी वक्त पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहले कई बार हो चुका है? ये तो हम सब जानते हैं कि धरती पर जैसे आज हम मनुष्यों का राज है, वैसे ही आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोरस राज करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का अचानक से पूरी तरह इस पृथ्वी से अंत हो गया? कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई और उसने सभी डायनासोर का अंत कर दिया। तो महाप्रलय आने की आखिर वजह क्या थी और ये कैसे आई जिसने डायनासोर का अंत पूरी तरह से इस धरती से कर दिया? क्या आप जानते हैं कि अगर विशालकाय एस्ट्रॉइड यानी कि अंतरिक्ष में भटकने वाली एक बड़ी सी चट्टान जिसे हम डिनो किलिंग एस्ट्रॉइड भी कहते हैं, ये एस्ट्रॉइड अगर 30 सेकंड पहले या बाद में पृथ्वी से टकराया होता तो डायनासोरस का अंत न हुआ होता। तो क्या था ये 30 सेकंड का चक्कर? इस महाप्रलय के बाद धरती पर कौन से जीवों का राज हुआ? आज हम इन्हीं सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। बात की शुरुआत होती है मेसोजोइक एरा
जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है। इस समय धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स रहा करते थे। मेसोजोइक एरा को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर वन ट्रियासिक पीरियड, नंबर टू जुरासिक पीरियड, नंबर थ्री क्रिएशियस पीरियड। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रियासिक पीरियड की, जो आज से तकरीबन 252 मिलियन साल से 200 मिलियन साल तक रहा। इस पीरियड में डायनासोर और रेप्टाइल का पूरी दुनिया में राज हुआ करता था। दूसरा पीरियड है जुरासिक पीरियड। ये पीरियड 200 मिलियन साल से 145 मिलियन साल तक चला। इस पीरियड में मैमल्स, पक्षी और विशालकाय डायनासोर धरती पर रहा करते थे। नंबर तीन पर था क्रिएशियस पीरियड। ये समय काल मेसोजोइक युग की तीसरी और अंतिम अवधि है, साथ ही सबसे लंबी भी। लगभग 80 मिलियन वर्षों में यह सबसे लंबी जियोलॉजिस्ट अवधि थी। इस समय के दौरान स्तनधारियों और पक्षियों के नए समूह के साथ ही फूलों के पौधे दिखाई दिए। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से इन विशालकाय डायनासोर का अंत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इन विशालकाय डायनासोर का पूरे तरीके से अंत कैसे हुआ? क्या कोई विशालकाय एस्ट्रॉइड डायनासोर के अंत का कारण था? आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के डायनासोर रहते थे। साइंटिस्ट रिसर्च में ये बात पता चली कि आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। भटकते भटकते ये चट्टान मंगल और बृहस्पति के बीच बनी एस्ट्रॉइड बेल्ट में पहुंच गई। इस रास्ते को पार करने के बाद ही यह एस्ट्रॉइड सूर्य तक पहुंच सकता था, लेकिन तभी अचानक ही विशालकाय चट्टान बेल्ट के किसी और एस्ट्रॉइड से टकरा गई, और टक्कर हो जाने से इस चट्टान का रास्ता अचानक बदल गया। अब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर चंद्रमा से संभावित थी, क्योंकि इसका रुख भी चंद्रमा की ओर ही था। आशा थी कि चंद्रमा इस चट्टान को रोक लेगा, और पृथ्वी से इस चट्टान की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर थी। लेकिन उस समय इस एस्ट्रॉइड की गति इतनी तेज थी कि इस पर चंद्रमा की ग्रेविटी का कोई असर नहीं हुआ। चांद की ग्रेविटी उस एस्ट्रॉइड को खींच ही नहीं पाई। एस्ट्रॉइड चंद्रमा के पास से गुजर गया, और अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो होने वाला था जो कल्पना से परे था। चंद्रमा के पास से गुजर जाने के बाद यह एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इस एस्ट्रॉइड का व्यास 40 किलोमीटर तक था। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। बहुत ही ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड होने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का फ्रिक्शन भी इसे खत्म नहीं कर पाया। अगर कोई छोटी मोटी चट्टान होती तो वो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से वायुमंडल में ही नष्ट हो जाती। लेकिन इस एस्ट्रॉइड पर फ्रिक्शन का असर ये हुआ कि नष्ट होने के बजाय ये चट्टान एक आग के गोले में तब्दील हो गई और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। केवल 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। पर इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि 9 मील आकार का ये विनाशक एस्ट्रॉइड 30 सेकंड जल्दी या देर से गिरा होता तो जमीन के बजाय ये अटलांटिक या पैसिफिक ओशियन के गहरे पानी में गिरता। एलियंस, जिसके बारे में सोचकर आपको साइंस फिक्शन मूवी की याद आती होगी, जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सच में हमारी धरती पर कई बार एलियन देखे गए हैं। अमेरिका, चाइना सहित दुनिया की अदर कंट्रीज किस मिशन के तहत एलियंस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? समय समय पर एलियंस क्यों हमारी धरती का चक्कर लगाने आते हैं? क्या भविष्य में वो हमें बर्बाद करने के लिए हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज कर सकते हैं? प्राचीन समय से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस दुनिया के अलावा क्या कोई दूसरी दुनिया भी है जहां हमारी ही तरह लोग रहते हो। इसके अलावा हम इंसानों की उत्सुकता दो बातों को लेकर भी हमेशा बनी रहती है, हमारी दिन पर दिन विकसित होती टेक्नोलॉजी के बारे में और परग्रही एलियंस की विकसित टेक्नोलॉजी के बारे में। फर्क बस इतना है कि हम हमारी टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन विकास करते जा रहे हैं, तो वही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। क्या हो अगर वो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन अंतरिक्ष में रहने वाले एलियन न हो? हम जिन एलियंस की तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और जिनको एक विशाल ऊर्जा द्वारा बनाया गया हो। सेटी के एस्ट्रोनॉमर सेठ शोस्तक के मुताबिक एलियन एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो सिर्फ उसी जगह रह सकते हैं जहां जीवन की संभावना हो, लेकिन AI कहीं भी रह सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एलियंस हम पृथ्वी वासियों से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं? क्या वो लोग बेहद खतरनाक हैं? वास्तव में एलियंस है भी या नहीं, साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि एलियंस इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब बात करते हैं एलियन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। नंबर वन, अभी हाल ही में जनवरी 2021 में अमेरिका में 3 UFO देखी गईं, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी तेज थी। इसे देखकर अमेरिका ने खुलासा किया कि अभी कोई भी देश टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस नहीं है कि वो साउंड से तेज गति से वो भी बिना आवाज के ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना सके। नंबर टू, इसी तरह की एक और घटना भी अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका के एक फेमस प्रोफेसर रोज जंगल में कुछ जरूरी रिसर्च करने जाते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक UFO को देखा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही UFO से दो एलियन उतरे और प्रोफेसर रोज को पकड़कर जबरदस्ती अपने यान में बैठा लिया। इसके बाद शिप में एलियंस ने उन्हें कुछ इंजेक्शन दिए और उनके साथ बात की। प्रोफेसर रोज ने बताया कि एलियन की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। वो अपने सिर पर एक ऐसी चिप लगाते हैं जिससे वो किसी भी भाषा को आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अपने इस बात को साबित करने के लिए उन्हें लाई डिटेक्टर मशीन का सामना करना पड़ा।